हेलो एवरीवन, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं और आपका मेटल नहीं मिल रहा तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेबर लॉ है उसका हिंदी मीडियम में ये मटेरियल है और आप देख सकते हो इसमें, जिसमें बेसिकली ये पूरा हिंदी मीडियम का मटेरियल है 74 पेजेस का। इसने सिर्फ लेबर लॉ से रिलेटेड बेसिक दे रखा है। इसके बाद हम जो अदर हैं वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। देखो इसमें लेबर लॉ का ये सारा बेसिक हिस्ट्री वगैरह दे दी, ये अच्छे नोट्स हैं एक एक बुक के, और ये सारे इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं और जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं 2019 में वो भी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, ठीक है जी। और जो मिनिमम वेज एक्ट हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं अनिल कुमार, ये द स्टडी गुरु, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ से रिलेटेड और लेबर लॉज। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको हिंदी में किसी और चीज़ से रिलेटेड मटेरियल चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो भी मैं आप प्रोवाइड करा दूंगा ईपीएफओ से रिलेटेड, ठीक है जी। तो इसमें ये सारा दे रखा है आपको। फिर आता है हमारे पास फैक्ट्री लॉ, फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम 1948, ये सारा कारखाना अधिनियम दे रखा है, ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या नोट्स में मिल सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कारखाने में किस किस चीज़ की क्या क्या डेफिनेशन होती, पावर क्या होती, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। सुरक्षा क्या होगी, कितना काम करना है, बच्चों के रजिस्टर के लिए कितना टाइम काम करा सकते हो, कितनी एज, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी 1948 है, तो ये इससे रिलेटेड भी इसमें दे रखा है काफ़ी कुछ, तो आप इसको भी देख सकते हो। टेंशन की बात है नहीं, हम और बहुत सारे मैं आपको हिंदी में मटेरियल अपडेट कर दूंगा, और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपका अगर और किसी से रिलेटेड आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे बता सकते हो, कोई और मटेरियल चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। तो ये वाला तो आपको मैं वैसे ही प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आता है हमारे पास राष्ट्रीय श्रम आयोग। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग आपका कब बना था, 1966 में बना था। उसमें क्या क्या चीज़ें आई, रिपोर्ट कौन कौन सी थी, कौन सा कमीशन बैठा, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्होंने दे रखा है। कुल मिला के ना इन्होंने लेबर लॉ के बारे में अच्छा दे रखा है। फिर ये IRC रिलेटेड कुछ इन्होंने दे रखा है, तो इंडस्ट्री रिलेशन से रिलेटेड है, उनकी प्रकृति और ये सारी चीज़ें ना बेसिक, जो उनके सिद्धांत क्या हैं, कितने एकात्मक बहुवादी, ये क्वेश्चन UPSC में इसमें EPFO में आते भी हैं। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। और फिर इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह। तो फिर विवाद में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हड़ताल, बायकॉट, पाकिट, इनका मीनिंग क्या होता है, और कौन क्या कर सकता, मालिक क्या कर सकते हैं, वर्कर क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बता रखी हैं, ठीक है जी। फिर आता है ये चक्करी इकोनॉमी क्या होता है, चक्करी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सागर का मीनिंग क्या है, सी जड़ का मीनिंग क्या है, सी जड़ तो आपको पता ही होगा, गिग इकोनॉमी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने हिंदी में अच्छा दे रखा, वैसे आप इसको देख सकते हो। फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, सूचना अधिनियम क्या है, अटल इनोवेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, और आपको EPF से रिलेटेड भी दे रखा है। ये सबसे अच्छी बात है, इनका चैप्टर नंबर जो 7 है, EPF का एग्ज़ाम है तो EPF से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको इनके बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट कोई क्वेश्चन आए तो क्या आप करने में उसको एबल हो उस टाइम पे, ठीक है जी। कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ दे रखा है, आप इनको भी देख सकते हो। कुल मिला के इन्होंने बेसिक बेसिक सब इसमें दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है जी। जो फिर इनमें क्या क्या इनका मीनिंग होगा, क्या क्या इनके, ये तो हमारे पास इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी कोर्स और मटेरियल चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।